दोस्तों विशाल समुद्र की रानी डॉल्फिन फिश अपने आप में अजीब है। दोस्तों ये मछलियाँ देखने में जितनी सुंदर होती है उतनी ही ये बुद्धिमान भी होती है। ये विशालकाय मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और रोचक होती है। दोस्तों अगर इन मछलियों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये मानव के कई प्रकार के कार्यों को संपादित कर सकती है। देखिए ये विशालकाय मछली किस प्रकार पानी के बाहर आकर अटखेलियाँ करने में लगी हुई है। इन मछलियों को आजकल बड़े बड़े होटलों में लोगों के मनोरंजन के लिए भी रखा जाने लगा है। देखिए ये मछलियाँ किस प्रकार से लोगों का मनोरंजन कर रही है अपनी अटखेलियाँ और करतब दिखाते हुए। डॉल्फिन फिश वैसे तो पानी में गहरे समुद्र में रहना पसंद करती है, पर लोगों ने आजकल इनको मनोरंजन के लिए बड़े बड़े होटलों के स्विमिंग पूल में भी रखना चालू कर दिया है, जिससे कि ये मछलियाँ लोगों का मनोरंजन कर सके और लोग आकर्षित होकर उन होटलों में आ सके। दोस्तों डॉल्फिन फिश बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होती है। इन मछलियों के अंदर अन्य मछलियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धि पाई जाती है और थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर ये बहुत ही ज़्यादा कार्यकुशल हो जाती है। देखिएगा दोस्तों इस पानी में ये मछलियाँ किस प्रकार से अटखेलियाँ कर लोगों का मनोरंजन कर रही है। दोस्तों ये मछलियाँ अपनी जाति की मछलियों को आसानी से अपनी बात समझा भी सकती है और देखने में तो यहाँ तक आया है कि ये मछलियाँ टेलीफोन पर बात भी कर सकती है और वहाँ पर दूसरी मछली की आवाज़ भी पहचान कर ये पता कर सकती है कि ये मछली उसकी कौन है, यानी कि ये उसकी बेटी है या बेटा है या कौन है। तो दोस्तों डॉल्फिन मछलियाँ इसी प्रकार से लोगों का मनोरंजन करती रहती है और ये वैसे तो शांत स्वभाव की मानी जाती है, पर ये अपनी दुश्मन मछलियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा आक्रामक भी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों पानी में कई प्रकार के जीव जब पाए जाते हैं तो एक जीव की दूसरे जीव से दुश्मनी होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से डॉल्फिन की भी कई प्रकार की मछलियों से दुश्मनी हो जाती है, पर उन मछलियों से ये आसानी से निपट लेती है। जितनी ये मछलियाँ शांत स्वभाव की होती है उतनी ही ये आक्रामक भी हो जाती है और अपनी दुश्मन मछलियों को मजा चकाने में ये बिल्कुल भी झिझकती नहीं है। दोस्तों आजकल बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में इन डॉल्फिन मछलियों को लोगों के मनोरंजन के लिए पाला जाने लगा है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप ये चाहते हैं कि इन मछलियों को समुद्र में ही आज़ाद रहने देना चाहिए या दोस्तों इनको और प्रशिक्षण प्राप्त करके इनको और ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों आपको एक जानकारी मैं बता दूँ कि अमेरिकी सेना के पास में कई प्रशिक्षित मछलियाँ हैं जिनका उपयोग इनका उपयोग समुद्र के अंदर अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए करते हैं। दोस्तों डॉल्फिन मछलियाँ आज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, अगर इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दे दी जाए तो ये मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। आजकल विश्व स्तर पर डॉल्फिन मछलियों का बाज़ार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, पर लोग इनको मांस के रूप में भी उपयोग करते हैं, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि डॉल्फिन मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होती है और इन मछलियों का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सकता है, जैसे कि ये लोगों का मनोरंजन करने के कार्य में आ सकती है या अन्य प्रकार के कार्यों में भी इन मछलियों का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों डॉल्फिन फिश बुद्धिमान तो होती है, साथ साथ में ये व्यवहार कुशल भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मानव के साथ में आसानी से घुल मिल जाती है और ये लोगों का खूब मनोरंजन करती है। दोस्तों क्या आपने भी कभी डॉल्फिन फिश को देखा है? क्या आप देखना चाहोगे? ये मछलियाँ दोस्तों मानव की बहुत ही ज़्यादा अच्छी मित्र बहुत जल्दी बन जाती है। तो आपका दोस्तों डॉल्फिन फिश के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।